वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक कीजिए फेसबुक लिंक्स के लिए और रेसिपी के लिए, और बाकी यम्मी फूड पर क्लिक कीजिए मेरी सारी वीडियोज़ देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शेफ़ नुज़हत काशिप और आज आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ यम्मी सा डेज़र्ट जिसका नाम है चॉकलेट ऑरेंज मूस। प्लीज़ मेरी वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा, बीच में मैं बहुत सारी आप लोगों से टिप्स शेयर करने वाली हूँ अबाउट चॉकलेट। स्टार्ट कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे चॉकलेट और इसको मेल्ट करेंगे। 125 ग्राम ऑफ चॉकलेट लेंगे हम। मैंने चॉकलेट चिप ली है, आप नॉर्मल चॉकलेट लेके भी उसको ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। डबल बॉयलर पर हम इसको मेल्ट करेंगे, जब पानी हीट होने लगे तो आप इसको मेल्ट कीजिएगा। अच्छा, मेल्ट करने के लिए ये है कि बहुत से लोग कहते हैं हमारी चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई, हार्ड हो गई या सेट नहीं हुई, तो उसके लिए ये कि आप इसको चलाते रहें, फौरन इसको हीट पे छोड़ के मतलब ये नहीं सोचें पूरी खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी, नहीं, इसको मुस्तकिल मिक्स करते रहेंगे तो ही अच्छी सी मेल्ट होगी, वरना हार्ड हो जाएगी। और देखिए हम नीचे से पानी बॉइल हो रहा है और मैंने इसके ऊपर अपना बोल रखा हुआ है और मैं इसको मुस्तकिल मिक्स कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी बटर, 40 ग्राम ऑफ बटर मैं इसमें यूज कर रही हूँ। इसके साथ ही हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अब मैं इसको उतार लूंगी। ओवर कुक या ओवर स्टीम भी चॉकलेट को नहीं करते हैं। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क, थोड़ा सा गर्म मिल्क लीजिएगा, मतलब ठंडा ना हो, हल्का सा वार्म मिल्क हो, तकरीबन 50 ml। क्वांटिटी का फिर मैं बता रही हूँ, मैंने आप लोगों को बोला है कि कुछ मेजरमेंट की चीज़ें आप लोग लेके रखें ताकि आप लोग की रेसिपी परफेक्ट बने। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे ऑरेंज जेस्ट। 1 teaspoon ऑफ ऑरेंज जेस्ट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 2 से 3 tablespoon ऑफ ऑरेंज जूस इसके अंदर जाएगा। इसमें जाएगा कोको पाउडर, 1 tablespoon भर के कोको पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप लोग को चॉकलेट या ऑरेंज का फ्लेवर थोड़ा हाई चाहिए तो आप 1 टेबल स्पून बढ़ा सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, लम्स नहीं होने चाहिए। चॉकलेट की कोई भी आप चीज़ बना रहे हो तो उसके लिए हर रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से आप लोग फॉलो किया करें, मेथड को फॉलो किया करें। बहुत मज़े का ये मूस बनता है, इजी और यमी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 2 egg whites हैं जो मैंने स्टिप करके रखी थी, बीट करके रखी थी अच्छी तरीके से। इतना बीट किया था मैंने इन एग वाइट्स को कि ये जब मैंने बाउल टर्न किया तो ये गिरी नहीं थी, अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। तो जब इस फॉर्म में आपके एग वाइट आ जाए बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में, तब आप इसको ऐड करेंगे और हल्के हल्के स्पैचुला से फोल्ड करेंगे। कभी भी मिक्सचर में जब एग वाइट या क्रीम फोल्ड करते हैं तो उसको स्पीड में नहीं बीट करते हैं या बीटर से बीट नहीं करते हैं, कोशिश किया करें हल्के हल्के से स्पैचुला से फोल्ड करें, स्मूथ करना है इसको भी हमें। मैं आप लोगों को प्लेटिंग भी बताऊंगी, थोड़े से प्लेटिंग के आइडिया भी आपसे शेयर करूंगी। अच्छा, अब इसके साथ ही हमें व्हिप्ड क्रीम चाहिए। क्रीम मैंने ली थी, उसको मैंने व्हिप्ड करके रखा है। 150 ml क्रीम मैंने ली थी, किसी भी अच्छी कंपनी की व्हिपिंग क्रीम आप ले लीजिए, उसको बीट कर लीजिए 150 ml। ये बीट होने से पहले की मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ, फिर आप उसको बीट करेंगे, देन ऐड इसको आप मिक्स करेंगे, फोल्ड करेंगे इस मिक्सचर में, वही स्लो स्लो फोल्ड करना है आपने। अच्छा, इसको मैं आपको दो तरह से सेट करने का तरीका बताऊंगी। स्लोली स्लोली मिक्स करें। अच्छा, मैं आप लोग को साथ साथ बताती चलूँ कि हर वीडियो में लोग मेरी वीडियोस का लिंक जब ओपन करते हैं तो वीडियो लाइक नहीं होती, चैनल सब्सक्राइब नहीं होता, तो उसके लिए ये करें कि अभी आपके पास वीडियो चल रही है, अगर आप लाइक नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को बैक कर दें और
और यूट्यूब पे जाकर नुसरत काशिफ रेसिपी सर्च करें। जब वहाँ मेरी रेसिपीज ओपन हो जाएंगी तो किसी भी रेसिपी को खोलकर आप वहाँ से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वहाँ से लाइक भी कर सकते हैं आप लोग। ये देखें बिल्कुल स्मूथ हमारा, ये देखें टेक्सचर इसका बहुत अच्छा सा, लम्स नहीं होने चाहिए, फ्लफी फ्लफी सा मिक्सचर हमारा बन जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको जो पोर करूंगी, मेरे पास ये सिलिकॉन का है मोल्ड, मैं इसमें इसको सेट करूंगी और आप लोगों को मैं ग्लास में भी करना बताऊंगी, डोंट वरी। हाँ, अगर आप लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें सेट करने के लिए मैं इसके साइड्स पर अच्छी तरह अप्लाई करूंगी, एकदम से हम इसमें भरेंगे नहीं। अक्सर ये होता है कि इस तरह भरने से तो हेयर रह जाती है। पहले इस तरह से हम साइड पर अप्लाई कर लेंगे लाइक दिस। मिक्सचर है वो डालेंगे, इसको टैप करूंगी, सेट करूंगी और इसको हमें फ्रीज करना है ओवरनाइट। इसके साथ हम बनाएंगे ऑरेंज ग्लेज, थोड़ा सा मैं ऑरेंज ग्लेज बनाऊंगी ताकि वो हम इसके साथ सर्व करेंगे, तो इसकी डेकोरेशन करेंगे, क्योंकि हमारा ऑरेंज और चॉकलेट मूस है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सेट हो गया, मैंने इस तरह से टैप किया ताकि जितने भी एयर बबल्स में हमारे निकल जाएं। अब इसको हम फ्रीज कर देंगे। अब ये मेरे पास डेजर्ट बोल है, मैं इसके अंदर इस मिक्सचर से आप कम से कम 6 to 7 बोल्स आराम से सेट कर रेडी कर सकते हैं। दिया है इसको भी हम ओवरनाइट फ्रीज करेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ग्लेज की तरफ। इसके लिए मैं चॉकलेट चिप मैंने ली है व्हाइट वाली 1/2 कप। अच्छा, इसमें क्वांटिटी का इतना वो नहीं है, 1/4 कप से भी कम मैं मिल्क ले रही हूँ, वार्म मिल्क ले रही हूँ गरम। इसको डाल के थोड़ा सा सेट करेंगे फिर इसको थोड़ा सा माइक्रो कर लें। अगर आप चाहें तो इसको डबल बॉयलर पे भी मेल्ट कर सकते हैं, नहीं तो माइक्रो में भी आप इसको मेल्ट कर लें 1 मिनट के लिए। जब आपकी ये चॉकलेट चिप अच्छे से मेल्ट हो जाएगी अच्छी तरह से, तो आप इसको सही से व्हिस्क की मदद से मिक्स करेंगे। लेट मी शो यू, ये देखिए ये मेल्ट होके इस तरह का इसका लुक आ जाएगा। अभी आपको इसमें जो लम्स दिख रहे हैं ये सब मिक्स हो जाएंगे, और अगर बाई चांस ये लम्स ना हो तो आप इसको छान लें। जब हमारा ये मैं जो ग्लेज बना रही हूँ उसके लिए अगर इसमें लम्स रह जाएं तो आप इसको छान लीजिए। बहुत इजी वे में आपको ये मैं बता रही हूँ, प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी बनता है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही कि डेजर्ट बताएं मैम थोड़े डिफरेंट, सीजन में ऑरेंज भी है तो लाजमी ट्राई करें। देखिए बिल्कुल स्मूथ कर लिया है मैंने इसको मिक्स कर करके, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको छान सकते हैं अगर लम्स रह जाए तो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरेंज जूस 3 to 4 tablespoons, और इसमें मैंने डाला है ऑरेंज कलर 1/4 teaspoon लिक्विड कलर। मिक्स कर लिया था मैंने ऑरेंज जूस में ऑरेंज कलर, ये देखिए आप चाहें तो डायरेक्ट ग्लेज में भी डाल सकते हैं, मैंने ऑरेंज जूस में ही डाल के रख लिया था। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ एसेंस, ऑरेंज एसेंस, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं हो तो आप ना डालें क्योंकि ऑरेंज से ही इसका फ्लेवर आ जाएगा, बट अगर डाल देंगे तो थोड़ा और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। मेरे पास बहुत हाई वाला एसेंस है तो मैं इसमें 1/4 teaspoon से भी कम डाल रही हूँ, क्वांटिटी अगर आप बढ़ा देंगे तो फ्लेवर से हटकर ही थोड़ा सा कुछ उसकी हार्डनेस आ जाती है जो अच्छी नहीं लगती।
मिक्स वेल। आप देखें कितना शाइनी शाइनी सा हो रहा है। ये रेडी है हमारा ग्लेज। इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं आप, इसको ऑरेंज के अलावा भी बहुत सारी चीजों में मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे बनाना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्लेटर की तरफ। मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट जो हमारी नॉर्मल शुगर होती है उसमें ऑरेंज कलर ऐड करके उसको मिक्स किया है। थोड़ी सी बारीक थी हमारी शुगर और इसको पेपर लगा के बीच में मैंने साइड में स्प्रिंकल कर दिया और बीच में जो है हमने होल छोड़ दिया। अच्छा, ये हमारे पास मैंने बनाया चॉकलेट बोल। कोई भी बोल लेके उसको उल्टा करें, उस पर बटर पेपर चढ़ाएं और उसको उल्टा प्लेट में रखने के बाद मेल्टेड चॉकलेट उसके ऊपर अच्छी तरह से ड्रिजल कर दें, आगे पीछे उल्टी सीधी। देखें मैंने किस तरह की है। और फ्रिज में सेट कर लें, फ्रीजर में, ये आपका बोल रेडी हो जाएगा। मैं इसको नीचे, ताकि ये प्लेटर पे हिले नहीं, इसलिए थोड़ा सा मेल्ट कर कर इसको प्लेटर पे सेट कर रही हूँ। ये देखें लाइक दिस। अब ये कि प्लेटर से ये हिलेगा नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा बोल। अब इस बोल के अंदर हम डालेंगे अपना मूस, जो हमने चॉकलेट ऑरेंज मूस सेट किया था सिलिकॉन मोल्ड में। मैं इसमें वो वाला डालूंगी और वो साइड में मेरा ग्लास भी रखा है, साथ साथ उसकी डेकोरेशन भी मैं आपको बताऊंगी। ओवरनाइट फ्रीज करने के बाद ये देखिए, ये मैंने निकाला है। स्पून की मदद से आप इसको निकालेंगे, इजीली बाहर आ जाएगा। और ये मैं इसमें ये देखिए लाइक दिस। अब हम इस पे डालेंगे अपना ऑरेंज ग्लेज, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही हमने ऑरेंज और चॉकलेट का रखा है। आप चाहें तो इसके ऊपर कोको पाउडर भी डस्ट कर सकते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने ये बनाया है। इसमें भी हम डाल देते हैं सब तरफ में, ग्लास के ऊपर भी डालूंगी थोड़ा सा साइड में। देखिए प्लेटिंग आइडिया ये है कि आपके ऊपर है, प्रेजेंटेशन आपके ऊपर है। हम चाहें तो सिंपल ग्लास में सर्व कर सकते हैं, बट इससे ब्यूटी आती है, हमारे एफर्ट्स शो होते हैं। ये मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर यूज किए, साइड में लगा दिए हैं। मिंट लीफ लगा दीजिए या कोई सा भी एक लीफ लगा दीजिए आप इसमें। अच्छा, इसके साथ ही मैं इसमें लगा रही हूँ चॉकलेट बॉल। देखिए बड़े साइज का चॉकलेट बॉल है मेरे पास, इसके ऊपर मैंने ये लगा दिया। वेफर्स है हमारे पास चॉकलेट के, ये मैं ग्लास में लगा रही हूँ क्योंकि वेफर्स हमारे प्लेटर पे सूट नहीं करेंगे, ये ग्लास के साथ सूट करेंगे, तो मैं इसे ग्लास में लगा दी। तो ये मैंने ऑरेंज के छिलके के साथ बनाया था, कुछ भी नहीं किया है। ऑरेंज का छिलका लंबाई में काट के उसका जो व्हाइट पार्ट था उसको मैंने हटा लिया और उसके साइड में थोड़े से बारीक बारीक कट लगा लिए और इसको राउंड करके मैंने रख दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आप लोग को धीरे धीरे वक्त के साथ बताऊंगी अगली वीडियो में। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है चॉकलेट आर्ट के बारे में बताने की। ये किसी भी नोजल आप कोई भी ले लें साइज़ का, जो आपको प्लेटर पे आपके सूट करे। और ये मेरे पास ग्लेज है, मैंने इसके बैक साइड को ग्लेज में डिप किया है और अब हम इससे इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर देंगे। ये आइडियाज आपके ऊपर भी हैं, देखें जितना आप प्लेटर को अच्छा बनाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। मैं सिर्फ इसलिए ये सब चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे कम आप लोग बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि मैम प्लेटर की आप वीडियो नहीं बताती, बस फाइनल प्लेटर दिखा देती हैं। और अभी एक आध डेजर्ट और मैं बहुत अच्छा लाने वाली हूँ इंशाल्लाह। आप माशाल्लाह देखिए चॉकलेट कितनी हार्ड है, सेट है। वैसे भी सर्दियों का मौसम है तो चॉकलेट वर्क और क्रीम का वर्क सर्दियों में करने में बहुत मज़ा आता है। व्हिपिंग क्रीम के बारे में अगर आप लोगों को पूछना है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं अपना पेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब मैं इस पे चॉकलेट चिप स्प्रिंकल कर रही हूँ अपने ग्लास वाले जो हमने मूस को सेट किया था। और मेरे पास ये सिल्वर बीट्स हैं, ये भी स्प्रिंकल कर रही हूँ।
इसमें लगाएंगे हम अम्ब्रेला। अब देखिए ये अम्ब्रेला अगर मैं उसकी चॉकलेट बोल पे लगाती तो ये सूट नहीं करता, ये ग्लास में सूट करेगा। ये देखें, देखिए ये आपका डेजर्ट ग्लास रेडी है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।